हाँ जी क्लास फोर गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, आज टुडे वी विल डू लेसन 10 डेविड एंड गोलियत एट पेज नंबर 81 ऑफ बुक स्प्रिंग, राइट। डेविड एंड गोलियत, ठीक है। डेविड एक लड़का था, बॉय, लिटिल बॉय, और गोलियत एक जायंट था। इन दोनों की स्टोरी है ये, देखते हैं क्या क्या है इसमें। डेविड वॉज अ ब्रेव लिटिल बॉय हु लिव्ड इन इज़राइल। डेविड एक छोटा सा लड़का था जो इज़राइल में रहता था। Once he went to meet his brothers who were in the army. एक बार वो अपने भाइयों से मिलने जाता है जो इज़राइल की आर्मी में थे, ठीक है। There he met Goliath. वहाँ पर वो किससे मिलता है? Goliath से, who was a huge giant. जो एक बहुत बड़ा giant था। Giant क्या होता है? राक्षस, है ना, बहुत बड़ा राक्षस सा, डरावना सा था। He fought with giant and killed him. वो उससे लड़ाई करता है और उसे मार देता है। Let's read his story. और वो कैसे करता है, छोटा सा लड़का इतने बड़े giant को कैसे मारेगा, ये हम इस स्टोरी में रीड करते हैं, ओके। लेट्स रीड अबाउट इट। डेविड अ यंग बॉय लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एट अ स्मॉल विलेज इन इज़राइल। डेविड जो एक छोटा सा लड़का था, ये देखो यहाँ पिक्चर भी गिवन है आपको, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से विलेज में रहता था, और वो विलेज कहाँ पर था? इज़राइल में, ओके। विलेज होता है गांव। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द फोर सन्स ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के चार बेटों में से सबसे छोटा था, यंगेस्ट था, ठीक है, सबसे छोटा। ही हैड थ्री एल्डर ब्रदर्स। इसी से पता चल गया, जब वो सबसे छोटा और टोटल चार भाई हैं तो उसके कितने बड़े भाई हुए? तीन। थ्री उसके एल्डर ब्रदर्स हुए। ऑल ऑफ देम सर्वड इन द, नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा, ऑल ऑफ देम सर्वड इन द किंग्स आर्मी। सब कहाँ पर काम करते थे? किंग की आर्मी में, वहाँ का जो राजा था उसकी आर्मी में काम करते थे, ठीक है। डेविड वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बी अ सोल्जर एंड फाइट फॉर हिज कंट्री। डेविड भी इंटरेस्टेड था सोल्जर बनने में, सिपाही बनना चाहता था और अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप। लेकिन उसके फादर क्या चाहते थे? कि वो घर पर ही रहे और शीप का ध्यान रखे। बहुत सारी उनके पास भेड़े होंगे, उनका ध्यान रखे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह, एवरी मीन्स हर, डेली की बात है ये। एवरी मॉर्निंग डेविड वुड टेक देयर शीप ऑन द हिल्स फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है? चरना। वो रोज सुबह सारी शीप को लेकर जाता था घास चराने के लिए। व्हाइल द शीप वर ऑन ग्रेज ही वुड सर्च फॉर द फ्लैट राउंड स्टोन्स अलोंग द रिवर बैंक एंड पुट देम इन हिज बैग। जब शीप ग्रेज कर रहे होते थे ना, चर रहे होते थे, उस टाइम वो क्या करता था, आसपास से ना फ्लैट यानी चपटे और थोड़े थोड़े गोल से पत्थर इकट्ठे करता था छोटे छोटे, और उनको अपने बैग में भरता रहता था। और वो पत्थर कहाँ मिलते थे उसको? रिवर बैंक यानी नदी के किनारे, ठीक है। रिवर नदी होती है और बैंक किनारा, रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे पर उसे मिलते थे और वो बैग में भर लेता था। There were many wolves in the forest nearby. और वहाँ जो नज़दीक जंगल था उसमें बहुत सारे क्या थे? wolves. wolves क्या होते हैं? भेड़िए। हाँ, भेड़िए, wolf होता है ना भेड़िया, तो wolves मतलब बहुत सारे भेड़िए, ठीक है। Whenever a hungry wolf came to kill the sheep, जब भी कोई एक भूखा भेड़िया शीप को मारने आता था, डेविड वुड टेक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग। तो वो क्या करता था, अपने बैग में से एक पत्थर निकालता था और उसे अपनी स्लिंग पर लगा लेता था। स्लिंग क्या होती है? गुलेल। मैम जैसे कि स्लिंग शॉट होती है। हाँ, गुलेल, ठीक है, गुलेल में लगा लेता था। ही वर्ल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड एंड द स्टोन फ्लू थ्रू द एयर एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आईज एंड किल्ड इट। वो क्या करता था, स्लिंग को यानी गुलेल को अपने सिर के पास से घुमाते हुए उसमें पत्थर फंसा रखा था, उसको एकदम से खींचता था, स्ट्रेच करता था, और वो उस पत्थर निकल कर एकदम उड़ता हुआ उस वाइल्ड बीस्ट यानी उस जंगली भेड़िया जो था, जंगली जानवर के बिल्कुल आंखों के बीच में, यहाँ जहाँ बिंदी लगाती है ना लेडीज, वहाँ पर बिल्कुल आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर उसको वो पत्थर लगता था और फिर वो उसे मार देता था। देन ही ऑलवेज रैन टू इट एंड कट ऑफ इट्स हेड
एंड टुक द स्किन होम. वो क्या करता था, उसकी तरफ भागता था, जब उसे पत्थर लगा भेड़िया एकदम से गिर जाता था और वो फटाफट उसकी तरफ भागकर उसका सिर काट देता था और उसकी स्किन को अपने घर ले जाता था. ठीक है, ही वॉज अ ब्रेव बॉय. वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम, एक दिन उसके फादर उसे बुलाते हैं, गिविंग हिम अ बैग ऑफ फ्लावर एंड सम लेटर्स ही सेड. उसको क्या देते हैं, वो आटे का, फ्लावर क्या होता है आटा, आटे का एक बैग देते हैं और कुछ लेटर्स देते हैं और कहते हैं द फिलिस्टीन्स आर अवर ग्रेटेस्ट एनिमी, कि फिलिस्टीन्स जो हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं. एनिमी क्या होते हैं, दुश्मन. दे आर मार्चिंग इनटू इज़राइल, वो इज़राइल में आ रहे हैं. मार्चिंग इनटू मतलब आ रहे हैं. ओके, गो टू द टाउन एंड मीट यूर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, तुम जल्दी से टाउन में जाओ और अपने भाइयों से मिलो जो किंग की आर्मी में काम करते थे ना उसके भाई, उनसे मिलो. गिव देम दीज लेटर्स एंड द बैग ऑफ फ्लावर, उन्हें ये लेटर्स भी दे देना और आटे का ये बैग भी दे देना. डेविड टुक द फ्लावर एंड द लेटर्स, डेविड क्या करता है, वो फ्लावर बैग को भी पकड़ता है और लेटर्स को भी पकड़ता है. ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज पॉकेट एंड लेफ्ट फॉर द टाउन, और अपनी स्लिंग को, बुलेट को अपनी पॉकेट में रखता है और टाउन की तरफ निकल जाता है. आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज ही रीच्ड देयर, और कई दिन चलने के बाद वो वहाँ पहुँचता है. ही मेट हिज ब्रदर्स इन किंग्स आर्मी एंड गेव देम द थिंग्स हिज फादर हैड सेंट फॉर देम, वो वहाँ पर अपने भाइयों से मिलता है और जो उसके पापा ने जो भी सामान दिया होता है वो अपने भाइयों को वो दे देता है. गोलियत वॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जायंट, गोलियत कौन था, फिलिस्टाइन का एक बहुत बड़ा जायंट था. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप एंड रोरिंग लाउडली, रोरिंग क्या होता है, जैसे शेर रोर करता है ना, गरजता है, वैसे ही रोरिंग लाउडली मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था. आई एम गोलियत, ही वॉज सेइंग आई एम गोलियत, एकदम डरावनी भयानक आवाज में, कि मैं गोलियत हूँ. आई एम द माइटीएस्ट ऑफ ऑल, और मैं सबसे बहादुर हूँ, सबसे ताकतवर हूँ. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल एंड इट्स पीपल, मैं यहाँ का जो इज़राइल का जगह है वो सारी बर्बाद कर दूंगा और यहाँ के लोगों को भी मार दूंगा. सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी, अपने सबसे अच्छे बेस्ट सिपाहियों को भेजो मुझसे लड़ने के लिए. एंड आई विल किल देम ऑल, और मैं उन सबको मार दूंगा. सेंड योर ब्रेवेस्ट सोल्जर टू फाइट विद मी, अपने सबसे बहादुर सिपाही को भेजो मुझसे लड़ने के लिए. एंड आई विल किल हिम टू, और मैं उसे भी मार दूंगा. ठीक है, इतनी जोर जोर से चिल्लाकर वो ऐसे बोल रहा था. द सोल्जर्स ऑफ द किंग्स आर्मी वर इन ग्रेट पैनिक बिकॉज ऑफ द जायंट, पैनिक होता है घबराहट, डरना. ठीक है, तो वो जो वहाँ के सिपाही थे ना सारे किंग आर्मी के, वो सब इस जायंट से डरते थे, उससे घबराते थे. When David heard it, और जब डेविड ने सब सुना, he ran to his brothers, वो अपने भाइयों के पास गया और कहता है आई वॉन्ट टू गो एंड, नेक्स्ट पेज पे देखें, आई वॉन्ट टू गो एंड फाइट द जायंट ही सेड, वो कहता है डेविड उनको कि भाई मैं जाना चाहता हूँ और उस जायंट से लड़ना चाहता हूँ. एट दिस हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम, और ये सब सुनकर उसके भाई उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे. यू आर स्टिल अ बॉय दे सेड, और कहते हैं कि तुम अभी तक छोटे बच्चे हो. गो बैक होम एंड लुक आफ्टर आर फादर्स शीप, तुम घर वापस जाओ और हमारे पापा की जो शीप हैं उनका ध्यान रखो. लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना. ओके, द किंग ऑफ इज़राइल हैड अनाउंस्ड दैट एनीबडी हु विल किल गोलियत विल मैरी हिज डॉटर, जो वहाँ का इज़राइल का किंग था ना, उसने ये अनाउंसमेंट की हुई थी कि जो कोई भी गोलियत को मार देगा ना, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा. I'll give him gold and jewels and he will be the richest man in Israel, he said. और साथ में किंग ने क्या कहा था कि मैं बेटी से तो शादी करवा ही देगा और साथ में उसे बहुत सारा सोना और ज्वेलरी देगा, गहने देगा, वो इज़राइल का सबसे अमीर आदमी बना देगा उसको. ठीक है, When David heard the king's announcement, he went to him. और जब डेविड ने वो किंग की अनाउंसमेंट सुनी ना कि किंग ऐसा कह रहा है, तो वो किंग के पास ही चला गया सीधा.
कैन आई गो एंड फाइट द जायंट ही आस्क्ड, और उससे किंग से पूछता है कि क्या मैं जा सकता हूँ और जायंट से फाइट कर सकता हूँ। द किंग वॉज मच सरप्राइज्ड बिकॉज डेविड वॉज स्टिल वेरी यंग एंड इवन द मोस्ट करेजियस मैन ऑफ इज़राइल वॉज नॉट रेडी टू गो एंड फाइट द जायंट। तो जो किंग था ना वो बहुत सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। क्यों हुआ हैरान? क्योंकि डेविड अभी बहुत छोटा था और इवन जो इज़राइल का सबसे करेजियस यानी सबसे साहसी आदमी था ना वो भी जायंट से लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। हाउएवर फिर भी क्या होता है, द किंग हैड नो अदर चॉइस, किंग के पास कोई और चॉइस तो थी नहीं, उसे तो किसी ना किसी तरह गोलियत को मारना था ना, तो सो ही अलाउड डेविड टू गो एंड फाइट गोलियत। तो वो डेविड को अलाउ कर देता है, कहता है ठीक है तुम जाओ और उससे लड़ लो। ही गेव हिज ओन स्वॉर्ड टू डेविड एंड सेड, स्वॉर्ड होती है तलवार, ठीक है, वो अपनी तलवार देता है डेविड को और कहता है टेक दिस स्वॉर्ड एंड फाइट विद द जायंट, आई प्रे टू अलमाइटी फॉर योर विक्ट्री, कि ये वाली स्वॉर्ड ये तलवार लो और जाकर जायंट से फाइट कर लो, मैं तुम्हारे लिए भगवान से, अलमाइटी होते हैं भगवान, ठीक है, भगवान से प्रे करूँगा कि तुम जीत जाओ, विक्ट्री होता है जीतना, कि तुम जीत जाओ। बट डेविड डिड नॉट टेक द स्वॉर्ड, पर डेविड ने क्या किया, वो तलवार नहीं ली। आई एम अ शेफर्ड बॉय, मैं एक चरवाहा हूँ। जो शेफर्ड बॉय वो कौन होते हैं, जो जानवरों को चराने लेके जाते हैं, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ अ स्वॉर्ड, मुझे पता ही नहीं तलवार को यूज़ कैसे करते हैं। What shall I do with it? मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? I have my own weapon. मेरे पास अपना हथियार है। क्या हथियार था उसके पास? Sling. हाँ, उसकी sling. Very good. Right. And I shall fight with it. और मैं उससे लड़ लूँगा। He politely replied. बड़े प्यार से उसने बात बोली। Then he took his bag full of round smooth stones and his sling and went to fight Goliath. फिर वो क्या करता है, वही अपना बैग जिसमें उसने पत्थर भरे हुए थे और अपनी गुलेल स्लिंग लेता है और गोलियत से फाइट करने चला जाता है। देन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा आगे, आज इस लेसन को कवर कर लेते हैं सारा। When the giant saw that little boy was coming to fight with him, he was bemused. Bemused होता है हैरान रह जाना, ठीक है, एकदम से मतलब हंसना, मजाक उड़ाना, हैरान रहना, परेशान, पजल ही हो जाते हैं, मतलब एकदम से कंफ्यूज हो जाना। वो जब जायंट देखता है कि छोटा सा लड़का मुझसे लड़ने आ रहा है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यू लिटिल बॉय, तुम छोटे से लड़के, वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो? Aren't you afraid of me? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? Go back and hide in your house. He mocked. Mocked means हंसता है, मजाक उड़ाना, ठीक है, वो मजाक उड़ाता है उसका कि तुम जाओ घर और अपने घर में जाके छिप जाओ, तुम छोटे से बच्चे मेरे से क्या लड़ोगे। But David was fearless. Fearless मतलब जो नहीं डरता, ठीक है, ना डरने वाला। तो David डर नहीं रहा था। He boldly challenged the giant and said, उसने बड़े हिम्मत करके एकदम से ना बोली उसको, जायंट को चैलेंज किया और बोला, I have come here to kill you, मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, fight with me and kill me if you can, मुझसे लड़ो और मुझे मार दो अगर तुम मार सकते हो तो। The giant became angry, giant को बहुत गुस्सा आया, his eyes became red in anger, और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। The ground shook as he walked towards David. और जब वो डेविड की तरफ चला ना तो एकदम से जमीन जैसे एकदम वो नहीं होता भूकंप सा आ जाता है, हिलने लग जाता, उस तरह से होने लगी क्योंकि वो इतना बड़ा जायंट था, जैसे ही वो वहाँ पैर रखता तो सब कुछ हिल जाता था। सो इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट विद मी, अच्छा तो मतलब इज़राइल ने एक लड़के को भेजा है मुझसे लड़ने के लिए। आई विल कट ऑफ योर हेड एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, ही क्राइड आउट इन एंगर, और गुस्से से बोलता है मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और जंगली जानवरों को खिला दूंगा। बट डेविड वॉज नो कावर्ड, लेकिन डेविड जो था वो क्या नहीं था, कावर्ड। कावर्ड क्या होता है, बेवकूफ़। वो बेवकूफ़ नहीं था। ही रिमेंबर्ड गॉड एंड देन सेड, उसने भगवान को याद किया और बोला, आई मे बी अ बॉय बट इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इज़राइल इज ब्रेवर देन यू, मैं बेशक से एक छोटा लड़का हूँ लेकिन इज़राइल का छोटा सा बच्चा भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, बहादुर है।
आई कट ऑफ योर हेड एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा। When Goliath heard these words, और जब ये सब सुना गोलियत ने, he took out his huge sword and ran towards David. वो अपनी बड़ी सी तलवार पकड़ता है और डेविड की तरफ भागता है। David took out a stone from his bag and put it in his sling. और डेविड ने क्या किया, अपने बैग में से एक पत्थर निकाला और उसे अपनी गुलेल पर लगाया। फिर वो गुलेल कैसे चलाता है, he whirled the sling above his head एंड द स्टोन, अपने वो उसको स्लिंग को वो हेड के ऊपर करता हुआ राउंड राउंड और एकदम से उसमें पत्थर लगाता है और फिर वो पत्थर क्या होता है, फ्लू थ्रू द एयर, पत्थर एकदम हवा से उड़ता हुआ आगे को जाता है। इट हिट गोलियत बिटवीन हिज आईज एंड ही फेल डाउन विद अ लाउड क्राई। और वो पत्थर कहाँ जाके लगा, गोलियत की आईज के बीच में, और वो चिल्लाता हुआ बेचारा तड़पता हुआ गिर गया। David ran forward and snatched the sword from his hand. David एकदम से आगे की तरफ भागा और उसके हाथों से, किसके हाथों से, गोलियत के, गोलियत के हाथों से तलवार स्नैच करना मतलब खींच लेना, ठीक है, उसने खींच ली। Then he cut off the giant's head with the big sword and carried it with him. और फिर वो उस बड़ी सी तलवार से उसका सिर काट देता है जायंट का और उसे उसका सिर काट के अपने साथ ले जाता है। When the Philistines saw the giant is dead, और जब वहाँ के लोग Philistines जो होते हैं वो देखते हैं कि giant मर गया है, they were so panicked that they ran away from the battlefield. और फिर अब अपने इतने बड़े giant को मरता हुआ देख के बाकियों का क्या हाल होगा, बेचारे घबरा ही जाएंगे ना, और घबराहट के मारे वो battlefield क्या होती है, जहाँ युद्ध हो रहा होता है, ठीक है, युद्ध भूमि से वो भाग गए, लड़ाई छोड़कर ही भाग गए बेचारे डर के कि इन्होंने इतने बड़े जायंट को इस छोटे से बच्चे ने मार दिया तो हम लोगों का क्या हाल करेंगे, है ना। फिर आगे क्या है देखो, द किंग, नहीं ये नहीं है, मैं पैरा छोड़ दे यहाँ पर है। व्हेन द किंग ऑफ इज़राइल हर्ड द न्यूज़, और जब इज़राइल के राजा ने ये न्यूज़ सुनी, ही वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड मीन्स बहुत खुश होना, ठीक है, वो बहुत खुश हुआ। डेविड वेंट टू द रॉयल कोर्ट एंड बोर्ड बिफोर द किंग, वो रॉयल कोर्ट क्या होता है, दरबार, ठीक है, राजा के दरबार में जाता है और उसके आगे अपना हेड बो करना, बो करना मतलब झुक कर जैसे सलाम करते हैं ना, प्रणाम करते नमस्कार, वैसे वो किंग को नमस्कार करता है। देन ही टुक आउट द जायंट्स हेड आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, फिर वो अपने बैग में से जायंट का हेड निकालते हैं सिर और राजा के चरणों में रख देता है पैरों में। द किंग वॉज सो हैप्पी दैट हिज ही एम्ब्रेस्ड डेविड एंड मेड हिम सिट बिसाइड हिम, किंग जो होता है वो बहुत खुश होता है और डेविड को एम्ब्रेस मीन्स गले लगा लेना, ठीक है, डेविड को अपने गले से लगा लेता है और उसे अपने साथ बिठा लेता है, बिसाइड मीन्स बगल में, साथ बिठाना, ओके। द पीपल ऑफ इज़राइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज David had saved them from Goliath. और इज़राइल के जो लोग होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि गोलियत से उनको उस डेविड ने बचा लिया था ना गोलियत को मार के। The king kept his promise. फिर किंग भी अपना प्रॉमिस रखता है। He married his daughter to David and gave him half of his kingdom. वो डेविड से अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसे अपना आधा राज्य दे देता है। He also gave him plenty of gold and silver jewels. और वो उसे बहुत सारा गोल्ड भी देता है, सोना और चांदी के भी जेवरात देता है, ठीक है। David lived happily with his wife and ruled over his kingdom for many years. फिर उसके बाद डेविड जो है वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुशी खुशी रहता है और राजा बन गया ना वो आधे राज्य का, उसके ऊपर बहुत साल तक उसने राज भी किया, बहुत अच्छे से वो रहा, लोगों का ध्यान रखा, सब कुछ किया। तो ये स्टोरी थी बेटा उस छोटे से बच्चे डेविड की जिसने गोलियत को मारा अपनी समझदारी से, अपनी ताकत से, है ना, कोई बड़ा बड़ा भी नहीं मार सकता लेकिन वो इतना समझदार था कि मैं इस तरह से मार सकता हूँ, तो उसने मार दिया। अच्छी लगी स्टोरी, इसको आप सब रीड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।